आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून की शांत वादियों में एक खबर आग की तरह फैल गई है। गुमशुदगी से जुड़ी इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान है। पता चला है कि 2 मई से देहरादून का लड्डू लापता चल रहा है। परिवार के लोगों ने लड्डू के लापता होने की सूचना पुलिस को भी दे दी है। अब हर ओर लड्डू की तलाश चल रही है। इस मामले में सृष्टि तलवार नाम की युवती ने बड़े इनाम की घोषणा भी कर दी है। जो भी लड्डू को वापस लाएगा या उसका पता बताएगा उसे 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बीते 5 दिनों से लड्डू गायब है। अब परिवार वालों ने खोजने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड पुलिस रात दिन एक कर रही है, लेकिन लड्डू का कहीं कोई पता नहीं है। कौन है ये लड्डू जिसकी तलाश में दर्जनों लोग देहरादून की खाक छान रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस भी 5 दिनों से भटक रही है? तो आइए आपको बताते हैं कि जिस लड्डू को खोजने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है, वो दरअसल एक पालतू कुत्ता है जो बीते 2 मई से लापता चल रहा है। 5 वर्षीय लड्डू मानसिक क्षेत्र के डान्यू डांडा स्थित सृष्टि तलवार नाम की युवती के फार्म हाउस से अचानक गायब हो गया, जिसके बाद से सृष्टि तलवार खासी परेशान है। सृष्टि ने राजपुर थाना पुलिस को कुत्ते के गायब होने की तहरीर भी दे दी है। इसके अलावा शहर भर में कुत्ते के लापता होने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। पोस्टर में कहा गया है कि जो भी लड्डू को वापस लाएगा उसे 50,000 का नकद इनाम दिया जाएगा। पोस्टर में इनाम की मोटी राशि देखकर हर कोई हैरान हो गया है। फिर क्या था, क्षेत्र के तमाम युवा इनामी राशि की चाह में लड्डू की तलाश में जुट गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार। सौरभ कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर DIT के पास रहता हूँ। अभी भाई लोग मिले थे तो उन्होंने इसका नोटिफिकेशन दिया कि ये अभी लापता है, तो मैंने कहा मैं भी ढूंढने चलता हूँ। क्या जो पोस्टर लगे हैं वो देखे आपने? जी। क्या है उसमें जो आप यहाँ ढूंढने आए? उसमें लिखा है कि ये कल शाम 5 बजे से गायब है और 50,000 का इनाम है इस पे। अच्छा जी, तो मैं तभी आया हूँ। तो आप ढूंढ रहे हैं? जी। कहाँ कहाँ अभी तक ढूंढा आपने? अभी मैं DIT में ढूंढ चुका हूँ, कोठाल गेट, एंड देन यहाँ पे ढूंढूंगा। अब शहर में चस्पा किए इन पोस्टर्स पर हमारी नजर भी गई, जिसके बाद जय भारत टीवी की टीम इस अजीबोगरीब मामले की पड़ताल पर निकल पड़ी। पोस्टर में दिए नंबर की मदद से हम सृष्टि तलवार के पास पहुँचे। सृष्टि उन पेट लवर्स में से एक है जो अपने डॉगी को अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। सृष्टि ने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी ने जानबूझकर भी उनके पेट्स को उठाया है तो भी वो उसे 50,000 रुपए देने को तैयार है, बस उन्हें किसी भी कीमत पर उनका लड्डू चाहिए। जिस लड्डू के पूरे देहरादून में पोस्टर चस्पा किए गए, अभी तक जो कहानी हमने आपको बताई, उस लड्डू को खोजने के लिए केवल परिवार के लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग भी अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक तो पोस्टर में जो इनामी राशि है वो मोटी अच्छी खासी रकम है, और ऐसा क्यों है कि एक डॉगी को ढूंढने के लिए परिवार के लोगों ने इतनी बड़ी रकम की घोषणा की है। पुलिस एक तरफ से अपना काम कर रही है और लड्डू का अभी तक कहीं कोई पता नहीं चला है। हम परिवार के पास पहुँचे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस डॉगी से परिवार का क्या लगाव था। खासकर हमारे साथ इस समय सृष्टि तलवार मौजूद हैं, जिनका ये डॉगी था लड्डू, जो शायद है और उनको उम्मीद है कि वो मिलेगा। हम उनसे बातचीत करेंगे। सृष्टि, हम जब शहर में चल रहे थे हमने पोस्टर देखे और उन पोस्टर को देखते देखते हम आप तक पहुँचे हैं। आपका डॉगी जो गायब है, क्या उसकी कहानी है जो पोस्टर हम देख रहे हैं पूरे शहर में लगे हुए? लड्डू मेरे पास जब छोटा सा बच्चा आया था 1 महीने का, अब वो 10th of July को 5 साल का होने वाला था और ये मेरा फर्स्ट डॉग था। मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे इतना लगाव हो जाएगा और मतलब कैसे, और मैं उसको यहाँ घुमाने के लिए लेकर आई थी, आउटिंग के लिए लेकर आई थी, और वो गेट से बाहर निकल गया बेचारा बच्चा। विदिन 10 मिनट्स मुझे ऐसे लगा लड्डू दिखा नहीं मुझे, तो मैं ढूंढने के लिए निकली, मेरे सारे काम करने वाले सब साथ में इधर उधर फैल के ढूंढने के लिए निकले, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। तो इसका मतलब यही है कि कोई जो ट्रेसपासर, यहाँ से हमारे पास कैमराज नहीं है बाहर, अगर वो होता CCTV में फुटेज आ जाती, वहाँ पर कैमराज नहीं थे गेट पर, तो पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ गया।
जी, तो उसको कौन उठा के ले गया है? तो मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उठा के भी ले गया शायद उनको लगा हो कि अबैंडनली घूम रहा है बेचारा बच्चा सड़क पे, पर जो भी है जिसके पास भी है, बस मैं चाहती हूँ कि उसको सेफली मुझे वापस दे दें, और जो इनाम भी होगा मैं उनको भी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। सिस्टी, जो इनाम की राशि आपने डाली है, जो पैसे की आपने जिक्र किया पोस्टर में, वो 50,000 का है, तो इतनी बड़ी कीमत आप, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उस नस्ल का दूसरा कुत्ता भी आ सकता है, तो उसके लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों आपने घोषणा की इनाम की? मुझे उससे लगाव था, मुझे और कोई डॉग नहीं चाहिए। मुझे 10 फोन आए कि आप दूसरा ले लीजिए, हम दे देते हैं इतने में देते हैं, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। मुझे प्यार तो उसी से था ना, तो मुझे वही वापस चाहिए। मुझे और मैं किसी और से नहीं कर पाऊंगी, मेरे को अटैचमेंट उसी से थी इतने सालों में ना, वो बिल्कुल मैंने उसको बच्चे की तरह पाला है अपने। हाँ जी, पुलिस में भी आपने राजपुर थाने में तहरीर दी है, क्या पुलिस का कहना है? पुलिस आई थी, उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी मदद करी, उन्होंने CCTV कैमराज आसपास के खुलवाए, एक जगह से नहीं खुल पाए हायत वालों ने अपनी CCTV फुटेज। मैंने सिर्फ एक घंटे की मांगी थी कि आपके यहाँ से जो निकलेंगे, क्योंकि रास्ता एक ही है हम लोगों का, तो मैंने कहा था कि आप अपनी CCTV फुटेज मुझे सिर्फ एक घंटे की दे दीजिए, जिसमें नंबर्स आ जाएँ गाड़ी के, तो मैं थोड़ा वेरीफाई करके वहाँ तक पहुँच पाऊँ, उनसे पूछ पाऊँ कि क्या पता उनको मिला हो और उसे लगा हो सड़क पे बेचारा बच्चा घूम रहा हो, गाड़ी में बिठा के ले गए हो, बट अभी तक मुझे उनसे कोई हेल्प नहीं मिली है जी। अभी जब हम लोग यहाँ आ रहे थे सृष्टि, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के हैं, और एक कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई जो इस तरफ खाला जो है यहाँ भी ढूंढ रहे हैं, वो लड्डू लड्डू की आवाज़ लगा के ढूंढ रहे हैं। उनसे मैंने बात की, तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं, कॉलेज गोइंग भी हैं, जो इस समय आप लड्डू को ढूंढ रहे हैं? जी, काफ़ी लोग हमने लगा रखे हैं, आसपास के गाँव वाले को भी बोल रखा है कि जितनी मदद हो सकती है आप प्लीज़ हमारी करिए और उसको ढूंढिए जी। तो इनामी राशि, कुछ पोस्टर जो मैंने देखे थे शुरुआत में 20,000 उनमें लिखा था, फिर 50। जी, मैंने फर्स्ट डे जब पोस्टर लगवाए थे तो 20,000 उसका वो रखा था, बट फिर जब वो नहीं मिला मुझे और घबराहट हुई, तो फिर मैंने उसका इनाम इसलिए बढ़ा दिया 50,000। जी जी, अब आपको क्या उम्मीद है, आप क्या सोचकर बैठी हैं, आपको लगता है कि लड्डू? एक कॉल आ जाए, बोले कि हाँ आपका बच्चा गलती से हमारे पास आ गया है, वो ऐसे बेचारा सड़क पे हमें घूमता हुआ मिला, और बस वो मुझे वापस दे दें जो भी ले गए, बस मैं इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। लापता पालतू कुत्ते पर 50,000 का इनाम है, लिहाजा यह खबर देखते ही देखते आग की तरह फैलने लगी। आसपास के युवा इनामी राशि की चाह में लड्डू को खोजने निकल गए हैं, लेकिन अभी तक लड्डू का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है, मगर लड्डू की तलाश अभी भी जारी है। सृष्टि तलवार का इंतजार अभी भी जारी है, वो हर शाम अपने पेट डॉग लड्डू के लौटने का इंतजार करती हैं। इनाम की राशि हर दिन बढ़ाई जा रही है, सिर्फ एक चाह है कि किसी भी तरह लड्डू लौटकर घर आ जाए। इस तलाश में पुलिस भी जुटी है, तमाम स्थानीय युवा जुटे हैं, देखना ये है कि सृष्टि का इंतजार कब तक चलता है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।